किसी की बात नहीं सुनता। अभी यही बात मैं इसको कब से समझा रही हूँ कि आप जो है ना रोए ना, इसको कहे के हमारे नाम के वो जो है ना, आप इन लोगों से भी सुलह नहीं करेंगे। अल्ताफ भाई ने कहा है उसकी जो जिद है ना, मैं उसकी जिद पे जो है ना वो कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है? उसकी जिद है अभी मैं तो भाई आपसे नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं? मैं जिस बात जिस काम के लिए आई हूँ ना, अगर मेरी वो बात मानेंगे तब मैं आपसे मिलूंगी, नहीं तो नहीं मिलूंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो हमारा शाम वाला व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है, रहना है हमारे साथ। जो न्यू है हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। तो आज ही जैसे कि आप लोगों ने देखा सुबह वाली वीडियो में, जैसे कि मैं बोल रही थी वही मैंने जो है ना ये देखे तैयारी वगैरह कर ली है और चादर भी पहन ली है। अभी मैं जा रही हूँ अहमद भाई के घर और उधर जाके जो है ना जो भी माहौल होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। जो कुछ मैं कहना है, जो कुछ उन्होंने क्या जवाब देना है, ये सब कुछ इस वीडियो में होगा। आप लोगों ने ये वीडियो जो है ना फुल वॉच करनी है और मुकम्मल तक, शुरू से लेके मुकम्मल तक देखनी है कि जो है ना एक बहन जा रही है छोटी सी उम्मीद लेके अपने भाई के पास। तो आप लोगों ने देखना है कि मेरी जो है ना ये छोटी सी उम्मीद जो है ना ये मेरा भाई आगे बढ़ाता है या इस छोटी सी उम्मीद को ख़त्म कर देता है। तो ये जो है ना आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है। अभी मैं रवाना हो रही हूँ, साथ मेरे होगा आतिफ। आतिफ को बुलाती हूँ और आतिफ और मैं अकेले जाएंगे और उधर चल के जो माहौल होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अभी बहन अम्मी अबू को भी कहती हूँ कि मैं जो है ना उधर जा रही हूँ, उनको बता के फिर मैं चली जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, क्या हाल है? गुजारा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अबू जान जा रही हूँ डे बस्ती। आपने दुआ करनी है कि जिस काम के लिए जा रही हूँ वो हो जाए, ठीक है? सही सही। हाँ जो है ना सब्जी बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह सब्जी आ गई है। हाँ जी। और अमीना भी बना रही है। मरियम जाहिद भी लोग आए हैं। अच्छा, उन वास्ते बना रही वालों, मरियम जाहिद वालों के लिए जिस बार बेटी आ जाएगी। अच्छा अच्छा अम्मी, मैं जब तक आप सब्जी बनाती हैं तो मैं जो है ना उधर जा रही हूँ बस्ती। आप सुबह थी ना वीडियो में, जैसे मैंने आप बोला कि अहमद भाई के पास मैं जाती हूँ, उसे बात करती हूँ, तो आज जो है ना मैं उधर जा रही हूँ। अभी उधर उसके साथ जो बात होगी वो भी वीडियो बनाऊँगी, तो फिर मैं वापस आ जाऊँगी। चावल की पैन, चावल रखे हैं ऊपर ऊपर, वो जो अलमारी किचन में जो बने हुए हैं ना अलमारियाँ, वो ऊपर वाले खाने में रखे हैं। हाँ आ जाओ आतिफ, आ जाओ आप मेरे साथ चलो, आपके मामू के घर जाना है, ठीक है? चलो आ जाओ। चलें जी अभी जो है ना चलते हैं, क्योंकि इधर जो है ना ये इधर से निकलेंगे तो आगे जैसे कि कॉलोनी है, तो इधर तो वीडियो हम बनाते भी नहीं हैं। जब वो रेलवे वाली पटरी पे होते हैं तब जाके वीडियो बनाते हैं। अब उधर पहुँच के फिर आप लोगों से वीडियो बनाएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। जी लेनू पे पहुँच गए हैं, ये देखें और ये देखें। ये हो गई पुल और ये होगा माहौल। हाँ जी आतिफ चलें। तो अभी जो है ना जा रहे हैं उधर, उधर पहुंच के फिर आप लोग उसे उधर की रूटीन शेयर करेंगे। जो है ना मैं पहुंच गई हूँ अहमद भाई के घर, ये देखें ये अहमद भाई का घर और ये देखें इधर जो है ना पहुंच चुकी हूँ। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर जो है ना कौन कौन बैठा है। और अहमद भाई अल्लाह करे घर पे हो। और जो है ना मैं पैदल आई थी इसलिए वो छोटियों को साथ नहीं लेके आई, क्योंकि वो फिर कहती है मुझे ना उठाओ और मैं खुद चलते चलते थक गई हूँ तो उनको कैसे उठाती फिर, इसलिए जो है ना मैं अकेली आई हूँ, बस आतिफ मेरे साथ है। तो देखें माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है अबू जान? क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह से जी रहा हूं। तबीयत सिया ठीक है? ठीक है हाल इतना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह दा शुक्र है ठीक ठाक। छोटे बड़े यके ठीक हैं? सारे ठीक हैं। अल्लाह से जी रहा हूं। आमीन। और अब आंख का सुना है दूसरी, अब ठीक है? जो फिर सही तो नहीं हुई। अच्छा। ओले ओले थी नहीं मेरी। अच्छा। अज्ञा सा नामा डावा डिफारा है। अच्छा। चलो अल्लाह करे सी। ओ ये भी बिल्कुल ठीक है जरी पहले बनवाई आवे। ये सही है ठीक ठाक है। चलो माशाल्लाह। और बाकी सब कहाँ गए हैं? अच्छा अंदर कमरे में है। सही सही। टूर दे आयो गाड़ी टूर दे टूर दी है यहाँ कली बस आतफ कुनाल घंटे। अच्छा हाँ सुनाओ हाल। हाल वाल ठीक है ना? मीटर दा मीटर दा हाली बिल कैंसे भरिया। अच्छा। ओ हुण ही महीने जो कर दिता ने ना आगू ते 10 दिन जरा ना बिजली दी 23 24 आखरी डेट होंदी है ते हुण 10 दिन वधा दिता ने पहली तक कर दिता ने ते वला जरा ना हुण पहली तक है पता नहीं मतलब 10 दिन उत्ते डेट कर दिती ने पता नहीं 10 दिन वला कितनी तारीख पता पहली को बांधन या पहली को भी आगू ते बांधन ते वला हुण जरा ना हाली तक तो कैंसर भरिया हाली तक बैठू चपकी थी ते पता नहीं पहले वो गाल की थी ऐसी पहले आके ना भी त्रै किस्त कर दें दूँ ते वला जरा ना हूँ तू बाद वला बी डिमार आके ने कह ना असा जरा ना तू सा भरो एक बारी तुहरा मीटर जो चलिया खड़े ढेर अजान भी दिन तुहरे यूनिट बच्चे खड़े हैं हूँ बे भी तुहरे मजीद ज्यादा चल गए ते वला असा अगर इंदा किस्त बना दूँ वला अगू थोड़ा ब्याह बिल वो भी इो जितना ब्याह वे वला तो थोड़ा वला तो साग सो वला असा किवें भरो हुण ए तुसा जका भरो हुण जरा ना हुण हाली तां बैठे से अल्लाह खैर करे बस आखरी डेट ओसी ते पता लग सी उदू वला मीटर जरा ना ओ ए ता आखे सी अल्ताफ सन जणो मैं कैनी भरेंदा ओ जणो ने मीटर पाटवे सन अके गर्मी अच कितों छोटे छोटे बाल हैं कितों रहन गर्मी अच या सर्दियों हो ना वाला भी टेंशन कहना थी वे लाइट शाइट बालन कि चलो बैटरी शैटरी लगिया अपन बाल गिन हुआ हूँ तू वाला वो मीटर साढ़े ना दा कह नहीं मीटर कहीं बेद ना वो वाला पहले आखिरी तेन उन्हें आखे भी साढ़े ना दा मीटर तुसा ना कटवा है अगर मीटर साढ़े ना दा मीटर कटवा सन तो साड़ी जरा ना इंड बदनामी है कि भी ना कम बिल नहीं भरया इन्हों का मीटर कटी च गया बस या थोड़ी परेशानी है अल्लाह पाक खैर करे ते जरा ना कुछ करे सू तो सही भरना तो है बस चलें जी अभी जो है ना अंदर चलते हैं अबू जान से मिल लिया है और अंदर चल के बाकियों से भी मिलते हैं फिर गपशप करेंगे और देखते हैं कि अंदर कौन कौन बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो भाई आपसे नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं? मैं जिस बात जिस काम के लिए आई हूँ ना अगर मेरी वो बात मानेंगे तब मैं आपसे मिलूँगी नहीं तो नहीं मिलूँगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ऐसी ठीक है? अल्लाह पाक का करम। आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। घर में सब ठीक है? सब ठीक ठाक है। चले बैठे। हाँ बैठते हैं। और अम्मी कहाँ गई? अम्मी मेरे ख्याल में भाइयों के घर होंगी। मुझे भाई के घर शायद। अच्छा सही सही। और सुना है पानी पीना? नहीं कुछ नहीं पीना। पानी नहीं पीना कुछ भी नहीं। क्यों? नहीं बस उसके साथ है, मेरे साथ तो नहीं, नहीं, नहीं नाराज की किसी के साथ नहीं है वैसे अभी प्यास नहीं है। चलें भाई बैठे।
हाँ जी पता है। बात यह है कि आपने सुबह वाली पता नहीं वीडियो देखी है या नहीं देखी हमारी, तो उस वीडियो में जो है ना मैंने बोला था ऐसे कि अल्ताफ सिंह के साथ भी मैं जो है ना उसके साथ भी मैंने गुस्सा किया है कि जो है ना ये जो रोला चल रहा है इतने दिनों से, मैंने बोला ये ख़त्म करो आप। मैंने बोला उसको जो है ना आप ये जो है ना मोबाइल के जो आप कह रहे हो कि मुझे चट्टी दे उसको जो है ना ख़त्म करो, हमने कुछ नहीं लेना और जो है ना सुलह कर लो। उसके साथ भी मैंने झगड़ा किया है और मैं आपके पास भी आई हूँ और मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मेरे से छोटे हैं और मैं जो है ना एक उम्मीद लेके मैं आई हूँ और मेरे को उम्मीद ये है कि मेरा भाई है वो मेरी बात सुनेगा और समझेगा और मेरे को जो है ना ये जिस मकसद के लिए मैं आई हूँ वो मकसद मेरा पूरा करेगा और मुझे अकेले ऐसे जो है ना मतलब नाराज़ करके नहीं भेजेगा। तो बात ये है भाई कि आप जो है ना ऐसा करें कि आप वो मोबाइल के दे दें पैसे और ये झगड़ा जो है ना ख़त्म कर दें। ऐसे थोड़ी होती है अभी, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे क्यों? मैंने तो खत्म, मैं तो कोई बात नहीं कर रहा ना, वीडियो में बात कर रहा हूँ कोई ना, हम तो अपने व्लॉग बना रहे हैं बस, कुछ भी नहीं कर रहे, वो ही कर रहा है। मैं जो है ना ऐसे जबरदस्ती में कुछ नहीं होता, धमकियों से कुछ नहीं होता। वही तो मतलब के ये देखे ना, अब मैं अकेली आई हूँ तो मुझे इतनी अजीब सा फील हो रहा है और देखें अम्मी अब्बू घर पे होते हैं और वो जो है ना जब तक ये झगड़ा आप लोग ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो आएगा इधर ना आप जो आएंगे हमारे घर, तो फिर जो है ना मैं जब भी आऊँगी इधर अकेली आऊँगी, साफ ज़ाहिर है माँ बाप बैठे हैं आपके घर, मुझे तो आना पड़ेगा अम्मी अब्बू के लिए, तो फिर जो है ना मैं हर बार ऐसे अकेली आऊँगी ऐसे जो है ना मतलब के चुप करके ऐसे आऊँगी तो अम्मी अब्बू देखेंगे, उनको भी बहुत तकलीफ़ होगी कि हमारी बेटी जो है ना अकेली आती है, पता नहीं इनके साथ झगड़ा करते होंगे, इनके साथ जो है ना अच्छा सलूक नहीं करते होंगे, ये अकेली आती है ये है वो है, उनके दिल में 100-100 ख्याल आते होंगे आएंगे। तो मैं नहीं चाहती अम्मी अब्बू परेशान हो, जैसे हम पहले जो है ना हमारा आना जाना था आप भी आते थे हंसी खुशी, हम भी आते थे हंसी खुशी, बात होती थी इधर, हंसी मजाक होती थी, मिलते थे, खाना खाते थे, सब कुछ होता था, बिल्कुल जो है ना मैं यही चाहती हूँ कि सेम जो है ना वैसे माहौल हो जाए, आप मेहरबानी करें और जो है ना ये मामला ख़त्म करें, आप उसको दे दें। मैंने तो उसको बोला है कि आप जो है ना ख़त्म करें इसको और ये 2-4 पैसे आने से जो है ना हमारा जो है ना कोई ऐसा ये नहीं होगा ना, हम अमीर हो जाएंगे, आप इसको ख़त्म करें तो आप ऐसे सुलह कर लें, लेकिन जो है ना वो नहीं मानता तो फिर आप जो है ना आप उसको मैंने बोला है उन्होंने नहीं माना तो फिर मैं आपके पास आई हूँ कि मेरा भाई है वो जो है ना मेरी मानेगा और वो जो है ना उसको पैसे दे देगा तो रोला ख़त्म हो जाएगा। आप मेहरबानी करें, मैं जो है ना उधर से बड़ी उम्मीद से आई हूँ आपके पास, और एक ये भी नहीं है मैं जो है ना बता दूं, एक मेरा मकसद ये भी नहीं है भाई से पैसे लेने का, ये मकसद है अल्ताफ सिंह का क्योंकि उसकी जिद है, लेकिन मेरा मकसद था, मैंने इसलिए उसको बोला कि आप जो है ना ये मोबाइल का ये चट्टी लेना ये छोड़ दें, ख़त्म कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन वो नहीं मानते, ये उसका है, मैं उसका रोला ख़त्म कराने के लिए ये भाई को कह रही हूँ, और मेरा जो असल मकसद है वो ये है कि मैं चाहती हूँ ये आपस में दोनों जो है ना सुलह कर लें, एक दूसरे के साथ आएं जाएं बातें करें, जैसे पहले माहौल था वैसे माहौल हो जाए, मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद जो है ना पैसों वाला नहीं है, अगर भाई जो है ना उसकी जिद पूरी कर देंगे और मेरा जो मकसद है ये जो है ना ये भी भाई जो है ना अगर मान लेते हैं ऐसा कर लेते हैं फिर तो जो है ना फिर तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और मैं जो है ना हर किसी को बोल भी सकती हूँ कि मैं जो है ना भाई के पास गई एक उम्मीद लेके और भाई ने मुझे खाली नहीं मोड़ा, उन्होंने जो है ना मेरी बात सुनी और मेरी जो है ना कदर की, मैं बड़ी थी छोटा भाई था मेरी कदर की उन्होंने। पहली बात ये उसकी जो जिद है ना, मैं उसकी जिद पे जो है ना वो कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है, उसकी जिद है अभी मैं जो है ना
गाड़ी तोड़ूंगा, फलां चीज करूंगा, फलां चीज करूंगा, तो उसकी जिद पे जो है ना अभी आप कह रही हैं, तो आप आई हैं ठीक है, मेरी आप ही है बहन है, तो उसके बाद मैं 40,000 बोल रहा था, मैं आपको 80,000 दे देता हूँ, आप ले जाएं ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप आगे उसको जो बोलें जैसे करें, लेकिन उसकी जो जिद है ना, मतलब 40 का मैं जो है ना वो लूँगा, फलान करूँगा, उसको मैं कुछ भी ना देता। यानी कि अगर वो मतलब कहे जिद के अंदर, आपको पता है फिर इंसान को ना जिद आ जाता है, तो बाकी आप आ गई हैं ठीक है, मैं आपको ना जितना आप पैसे कहती हैं, मोबाइल कहती हैं, मेरे पास मोबाइल भी पड़े हुए हैं, मैं अगले दिन 3 मोबाइल लेके आया हूँ, डब्बे पैक डब्बे भी पड़े हुए हैं, हर चीज़ साथ है, मैं आपको एक मोबाइल दे देता हूँ, जाकर आप उसे दे दें। मेरी तरफ से तो आपको ये नहीं होगा कि भाई ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन ये तो बात मतलब कि आप मोबाइल दे दें या कुछ भी करें, ये तो मतलब उसकी जिद पूरी हो गई ना, जो मेरी ख्वाहिश है, जो मेरी है, वो तो फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे तो ये झगड़ा ख़त्म करोगे, तब मेरे को होगा ना कि हाँ मेरे भाई ने मेरी बात मानी है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मेरी ये पैसे लेने वाली बात उसकी है, मेरी नहीं है, मेरी बात है, सुलह करो, कर लो। पता है क्या है, बात ये है कि अब आप हर बात अपनी तो नहीं मनवाए ना, आपने कहा है उसकी जिद है कि मुझे जो है ना वो पैसे चाहिए, उसकी चिट्ठी चाहिए मोबाइल की, और इस तरीके से ना मैं आपकी बात मान रहा हूँ, बाकी जो है सुलह वाली बात वो फिर हमें सोचने दें, हमें भी वक्त दें, टाइम दें, हम भी अपना हिसाब किताब देखें, फिर उस हिसाब से हम करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कर लेंगे, या वो साथ तो नहीं आया हुआ या इधर बैठा तो नहीं है। नहीं, यही बात मैंने उसको बोली है कि आप चलो, तो उन्हें बोला मैं बड़ा हूँ, मैं आप चाहती हो मैं जाके, वो छोटा है, मैं उससे जाके माफी मांगू। आप बताओ मैं क्या करूँ, अगर मैं उधर से बात करती हूँ, उसको कहती हूँ कि आप साथ चलो उधर, तो वो कहते हैं मैं बड़ा हूँ, मैं छोटे के पास जाके मैं माफी मांगू कि गलती उसकी है, उन्होंने मोबाइल तोड़ा है, और इधर जो है ना, इधर भाई आप ऐसे कह रहे हैं, तो मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैं मोबाइल दे रहा हूं ना आपको, आप मोबाइल लेके जाएं, उसको दे दें, उसको बोले कि ये जो आप उसे मांग रहे थे ये आपकी चट्टी है, मोबाइल के बदले मैं मोबाइल दे रहा हूं ठीक है, वो बोला मोबाइल फिर मुझे दे देना, मैं उसको बनवाऊँ, ना बने बने ना बने वो मेरी किस्मत है ठीक है, मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ, आप जो है ना मोबाइल ले जाएं, उसके बाद जो बाकी सुलह वाली बात है वो फिर मैं इंशाल्लाह देखूंगा, जो मुझे अच्छा लगा फिर मैं उस हिसाब से करूँगा ठीक है, क्योंकि ये रोला तो नहीं होगा ना, ये रोला तो नहीं होगा कि उसने मुझसे पैसे लेनी है या चट्टी लेनी है या इस तरीके से, तो ये तो बात ख़त्म हो जाएगी ना, आगे फिर जाके उसको मोबाइल दें, फिर मुझे आपने बताना है कि उसका क्या रिएक्शन है, उसका क्या मूड है, क्या चीज़ है, हम भी अपना सोचते हैं, देखते हैं, फिर इंशाल्लाह कल तक परसों तक देखते हैं, जो भी हुआ इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। नहीं, आप मुझे जो है ना ऐसे तो नहीं, ऐसे मैं जो है ना आपसे मोबाइल लेके चली जाऊं, उधर जाके उसको मोबाइल पकड़ा दूं, तो बस फिर इधर मामला ख़त्म हो जाए, और आगे आप लोग आओगे, वो आए, इधर आना जाना होगा एक दूसरे के साथ, आमो सामना होगा, हंसी खुशी मिलोगे, तब जाके जो है ना ये मामला ख़त्म होगा ना, तो आप मुझे इस तरह मोबाइल दे के मुझे रवाना कर दे, मैं चली जाऊँ उसको दे दूँ, वो तो उसका मकसद तो पूरा हो जाएगा। भाभी आप बताएं, लेकिन मैं जो चाहती हूँ, मैं तो मैंने बताया है, मैं तो पैसे नहीं चाहती ना, मैंने तो बोला है उसको माफ़ कर दो, मेरा भाई है, कोई बात नहीं है, माफ़ कर दो, लेकिन वो नहीं करता, मैं क्या करूँ, मैं उधर से भी मजबूर हूँ, इधर से भी मजबूर हूँ, मेरा मकसद तो ये है सुलह करने वाला, अगर आप मुझे मोबाइल दे देंगे मैं उसको दे दूंगी, इसमें मेरा मकसद तो पूरा ना हुआ ना, फिर मैं जिसके लिए उधर से भाग के आई हूँ, तो वो बात नहीं होगी तो फिर मेरा इधर आने का कोई फायदा भी नहीं है, फिर तो सब यही बोलेंगे ना कि इसको जो है ना पैसों की पड़ी हुई थी, ये भाग के चली गई भाई से, जो है ना चाहे मोबाइल भी है वो भी तो पैसों से खरीदा है ना, तो ये उधर से जाके बस इनको वो लेके आके बैठ गया सुकून करके, इनको पैसे की पड़ी हुई थी, लेकिन वो उनकी बात भी छोड़े हैं, सच में जो है ना जब से ये झगड़ा हुआ है एक मिनट भी सुकून नहीं आता, इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, तो अब देखें 100 दुख सुख होते हैं, 100 परेशानियां होती हैं, जब भी ऐसा कोई मौका होगा तो
तो इधर आप लोग भी ऐसे चुप करके बैठे होंगे कि हम कैसे उधर जाएं। उधर हम बोलेंगे उसको, वो बोलेंगे अभी जो जाता है जाए, मैं नहीं जाता। तो देखें कितनी उस वक्त टेंशन होगी। सर ये कहता है कि मैं उसके सामने ना हूँ और वो कहता है मैं इसके सामने ना जाऊँ। हाँ, फिर कितनी परेशानी होती है। परेशानी तो बनेगी ना। तो भाई आप मेहरबानी करें। हाँ, अगर ये आप मुझे जो है ना, आप ही जन आई हुई है आस लेके आपके पास, तो फिर अब देखे ना, अब देखे ना उन्होंने मुझे क्या बोला है। अब देखे ना उन्होंने मुझे बोला है, वो मुझे आने नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है ना उन्हें बोले हाँ आप जाओ, जब आप बेइज्जती करवाओगी, जब आपको ऐसे धक्के मार के बाहर निकालेगा, जब आपकी बात नहीं सुनेगा, फिर आपको पता चलेगा ये है वो है। अब देखे अब जो है ना आप मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो। जब वो आपकी जन ऐसे मतलब खाली आप नहीं मानेंगे, मोबाइल तो हम दे दें, ठीक है, वो उसका मिशन तो पूरा हो गया। आप ही जन ऐसे नाराज होके जाए, वो जिस वजह से आई है कि मैं अपने भाई से जो है ना नाराजगी दूर करवा के आऊंगी, सुलह करवाऊंगी, तो वो पूरे आस उम्मीद पे आई है कि मेरे भाई जो है ना वो मान जाएंगे। जब इधर से आप नहीं सुलह करोगे, नाराज बैठे रहोगे, तो आप ही जन ऐसे यार अजीब बातें तुम कर रही हो, मुझे नहीं समझ आ रही। अब वो इधर बैठा हुआ है जो हम मतलब यही मैं बात कर रहा हूँ कि आप मोबाइल ले जाएं, उसको दे दें, ठीक है। मैं फिर बाद में मैं खुद आऊँगा या आपको बुला लूँगा, ठीक है। हम एक साथ बैठेंगे फिर इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मेरे दिलो दिमाग में भी ऐसी कोई वो नफरत नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, आप कह रही हैं अब वो सामने तो नहीं बैठा, मैं उसके साथ बात करूँ या हम एक दूसरे के साथ जफ्फी डाल लें, मुझे ये चीज़ बताओ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वही है कि आपने जो है ना, फिर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप पक्की मुझे तसल्ली दें ताकि मैं भी इधर से जाऊँ, खुश हो के जाऊँ, और उधर उसको भी जाके बोलूँ कि हाँ मेरे भाई ने मेरी बात सुनी है, उन्होंने जो है ना मेरा मान रखा है, उन्होंने मैंने जैसे भाई को बोला बिल्कुल भाई ने वैसे किया है। मैं भी उधर जाके उसको बोलूं कि आप मुझे ऐसे नहीं जाने दे रहे थे, और देखो भाई मेरे ने जो है ना मेरी सारी बात सुनी, उन्होंने मुझे हाँ बोल दी, उन्होंने बोला कोई झगड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है। इधर से जो है ना आप मेरे साथ पक्की बात करेंगे कि आपने जो है ना फिर हमारे घर आना है, कल आएँ परसों आएँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस कल परसों तक, एक दो दिन तक फिर आपने ज़रूर हमारे घर चक्कर लगाना है और ये झगड़ा ख़त्म करना है इंशाल्लाह। और बाकी जो है ना जो बात मुखलस भाई की, वो भी जो है ना वो आपका बड़ा भाई है, मैं तो उसके लिए भी यही बोलूँगी कि वो भी मतलब कि हमारी वजह से जो है ना वो भी झगड़े में आया और उसका भी नुकसान हो गया, वो भी काफ़ी परेशान है। पता है क्या है, आप देखो आपका नुकसान हुआ है ना, ठीक है, नुकसान हुआ, ये गलती है, किसी के झगड़े में नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, आपका मोबाइल टूटा है, आपको मोबाइल दे रहा हूँ वापस, ठीक है, जबकि ना भी दूँ इश्यू कोई नहीं है। आप आई है, आप ही है मेरी बड़ी है, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं खाली नहीं भेज रहा, आपको मोबाइल दे रहा हूँ, आप जाके उसको दें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह दो दिन बाद आऊँ, मुझे जब भी टाइम लगे मैं आऊँगा इंशाल्लाह, बाकी जो होगा बेहतर होगा, उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। दूसरी बात, अब उस मुखलिस भाई की बात करी है, उसने मेरा देना है 1.5 लाख रुपया, ठीक है। आज तक मुझे इस बंदे ने ये नहीं कहा मैं तुझे महीने के 10,000 दूंगा, मैं तुझे 20,000 दूंगा। मेरे कैसे हालात हुए थे आप सबको पता है, मेरे कैसे हालात हुए थे, अभी तक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसे तो नहीं है ना, लेकिन अब बेहतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे। बहरहाल ये देख लें आपके, उसने अब आपके पैसे थे, इतनी डोला पड़ गया, इतनी झगड़े हो गए, ठीक है, आप अभी मैं आपको मोबाइल भी दे रहा हूँ, आप लेके जा रही हैं, वो मुझे पैसे नहीं देगा, ऐसे कैसे सुलह होगी बताएं। फिर भी तो आपका ऐसा ऐसा दे देगा, बड़ा भाई है आपका, मतलब बड़े भाई जो है वो छोटे भाई को खाएं, नहीं ये हक बनता है बड़े भाई छोटे भाई की सपोर्ट करें या छोटा भाई बड़े भाइयों की सपोर्ट करें। मैं तो शुरू से सबकी सपोर्ट करता आ रहा हूँ, जिनके जितने पैसे काम हुए सबको देता हूँ, जिनके काम हुए सबको देता हूँ, लेकिन मेरा तो बंदा सोचे ना, मेरे जब हम मिर्चें खा रहे थे, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, हम जब मिर्चें खा रहे थे घर में, उस टाइम किसी ने नहीं पूछा भी आपके हालात कैसे, चलो 5,000 दे देते, 10,000 दे देते, हमें दिल को तसल्ली होती, खुशी होती कि यार मुश्किल वक्त में हमारे भी काम आए हैं। वो एक अलग मैटर है, वो इस झगड़े से वो एक अलग मैटर है, उसका एक अलग सिस्टम है, वो जब पैसे देंगे उसके साथ कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है पैसों का, जब पैसे दे देंगे हमारी सुलह है, बस मेरी ये बात है।
अब मैं आपको ना दूं चट्टी, ठीक है, मोबाइल मोबाइल दे रहा हूँ ना आपको मोबाइल के बदले, ना दूं तो फिर वो भी कहेगा हमारी सुलह नहीं है। जब तक वो उसकी जिद है ना, अल्ताफ की जिद है ना कि मुझे जब तक पैसे नहीं देगा या मोबाइल नहीं वापस करेगा उसके बदले, तो मैं जो है ना वो सुलह नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं कैसे फिर उसके साथ कर लूँ? आपका तो 30-40 हज़ार, 10 हज़ार लग जाएगा मोबाइल पे, 20 हज़ार लग जाएगा, ठीक है। मेरा तो 1.5 लाख रुपया, मेरा भी तो देखे ना, हर तरफ से मुझे तो ना वो करे ना। मैं तो फिर भी आप आइए, मुझे पता है मेरे हालात कैसे हैं। मैं आईफोन बेच के ये मोबाइल अपना बिजनेस करने के लिए, कुछ सिस्टम चलाने के लिए मैं 2-3 मोबाइल लेके आया हूँ, आईफोन बेच दिया मैंने, ठीक है। ये सबा वाला आईफोन था, वो बेच के ना मैंने ये मोबाइल लिया। अभी मैं आपको दे रहा हूँ, अपना नहीं देख रहा कि यार ठीक है आप ही आइए, मैं उसको दे रहा हूँ, खाली नहीं भेज रहा। उनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि इसको भी देना है, कुछ करना है नहीं। वो कर लेंगे ना, अभी आप उनके भी आपकी तरह चैनल के थे, अब 2 महीने वो इस चैनल के लिए बाहर जो है ना उन्होंने गुजारा इतनी गर्मी में कि हमारा चैनल कुछ ग्रो होगा तब जो है ना हम ये, वो भी अक्सर यही कहते हैं कि हमने पैसे देने हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कर लेंगे। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी, आगे आपकी मर्जी है, मैं तो बोलूँगी कि बड़ा भाई है, जैसे झगड़ा सबका हमारा मुखलस भाई का और आपका जैसे चल रहा था, अब जो अगर हमारे साथ हम सुलह कर रहे हैं तो वो बड़ा भाई है, उसको भी अकेले ना बिठाएं, उसको भी मतलब कि उसके साथ भी सुलह कर लेती हैं सारे जैसे जो होता है, फिर जो है ना क्योंकि उसको फिर टेंशन होगी कि जो देखें इनकी वजह से मैं जो है ना मैं भी झगड़े में शामिल हुआ और उनकी सुलह हो गई और मेरे से किसी ने पूछा नहीं, मेरी बात तक किसी ने नहीं की। उसको आप छोड़ दें, वो एक अलग मैटर है, वो बाद में देखेंगे जो भी होगा, पहले ये ख़त्म हो जाए बस उसके बाद देखेंगे, वो एक अलग है। वो यार मोबाइल तो ले और दूसरा उधर पड़ा है, सिम भी नहीं है उसमें। चलें जी, आप लोगों ने जो है ना सुन लिया है, मैं इसलिए अल्ताफ सिंह को बार बार कह रही थी कि जो है ना मुझे जाने दे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा भाई है, मैंने अपने भाई को जो है ना बचपन में मैंने अपने भाई को एक साथ हम खेले हैं, एक साथ हमारा बचपन गुजरा है, जितना हमारी लड़ाई होती थी उससे ज़्यादा हमारा प्यार इखलाक था, कि मुझे एक उम्मीद थी, मुझे यकीन था कि मेरा भाई जो है ना मेरी बात ज़रूर मानेगा, मेरी बात ज़रूर सुनेगा, वो मुझे ऐसे खाली नहीं भेजेगा। तो आप लोगों को भी मैं यही बोल रही थी कि जो है ना मैं उधर जाऊंगी इंशाल्लाह, जो भी होगा अच्छा होगा, और भाई को जो है ना आप लोगों ने सुन ली, मेरी बातें भी सुन ली और भाई की भी बातें सुन ली, कि जो है ना वो आप देखें अल्ताफ सन की जो ज़िद थी वो भी पूरी कर रहा है, और सुलह करने का भी कह रहा है कि मैं जो है ना 1-2 दिन तक जो है ना मैं सोचता हूँ, फिर वो भी इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो भी हो जाए। तो क्योंकि अगर ये सिर्फ खाली मोबाइल लेके मैं जा रही हूँ, क्योंकि इसके ये मेरा मकसद मतलब पूरा नहीं हुआ, जब भाई आएंगे उधर तो जब इन दोनों का मिलना जुलना होगा, ये एक दूसरे के साथ बात करेंगे हंसी खुशी जैसे पहले था, आए जाएंगे एक दूसरे के घर, फिर जाके जो है ना मेरे दिल को तसल्ली होगी और बाद में जो है ना मुझे खुशी होगी। अभी जो है ना बस उसकी जो मकसद है अभी उसी का, जैसे भाई कह रहे हैं कि जो है ना मैं मोबाइल देता हूँ आपको, ये लेंगे, बिल्कुल न्यू मोबाइल है, अभी अभी लिया था मैंने, 3 मोबाइल लिए अभी अभी, तो ये आप जाकर उसको दे देना, ठीक है, बाकी जो होगा इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये मोबाइल भाई ने दे दिया है, अब जो है ना मैं ये लेके जाऊंगी और ये उसको जाके दूंगी कि ये देखें ये मोबाइल आ गया है, आप ये मोबाइल रखो। और जो है ना असल में भाई उन्होंने पहले भी मुझे जो है ना बोला था कि आप जो है ना भाई अपने को बोलो, कॉल करो या जाओ जैसे, फिर जो है ना मैंने बोला कि ऐसे जो है ना आप भी समझदार हैं, वो भी मतलब कि आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं, समझदार हो आप जो है ना, ये मामला जो है ना ख़त्म हो जाएगा, या ये पैसों का क्या असल अहमियत होती है, प्यार इखलाक की इज्जत की उस चीज़ की होती है, पैसों की कोई अहमियत नहीं होती, आज हैं तो कल नहीं होंगे। तो असल जो बंदे की रियल ज़िंदगी है, जो प्यार इखलाक है एक दूसरे के साथ, वो जो है ना वो कायम रहे, पैसों की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने उसको बोला कि मैंने यही सोचा कि ये बात जो ना वो भी मतलब नहीं लेगा, ख़त्म कर देगा, और भाई भी मतलब ये एक दूसरे के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं, असल में जिस दिन वो आया था इधर
जिस दिन इनकी ज्यादा झगड़ा हुआ, इनके कपड़े फट गए ना, उस दिन पता भी नहीं था मेरे को, उन्होंने घर से बाहर चले गए थे, इधर आई वीडियो इधर से स्टार्ट की, उस वीडियो में मेरा एक भी क्लिप नहीं है। और ये बात जब वापस आए उधर घर, किसी को महसूस भी नहीं होने, जैसे हंसी खुशी आके सबके साथ गपशप के लिए, और मेरे साथ मैं उस वक्त कॉल पे लगी हुई थी और इन्होंने मेरे साथ तो बात की भी नहीं। जब मैं रात को फ्री होके मैंने अपना मोबाइल उठाया तब मैंने देखा तो आगे जो है ना ये इतनी बड़ा झगड़ा हुआ पड़ा था। मैं इतनी परेशान हो गई, फिर मैं उस वक्त रात को उसके साथ जो है ना मैंने बोला कि मैं आपको रोकती थी कि आप जो है ना जाए ना झगड़ा करें, अगर जाते हैं तो ये झगड़ा ना किया करें। फिर आपने जो है ना बताया भी नहीं, ना ही कुछ ऐसे जो है ना आपने उधर जाके झगड़ा कर लिया। फिर जो है ना मैंने उसके साथ लड़ाई की और अब जो है ना आज उन्होंने एक बात बोली कि हाँ मुझे अब टेंशन है मैं कहीं पे जाऊँ, उन्होंने गाड़ी का बोला है, उसकी तो पुरानी गाड़ी है, मेरी न्यू गाड़ी है, वो अगर मैं बाहर जाता हूँ कहीं पे भी वो जैसे आज मतलब क्या मौसम ना हो जाता है वो मेरी गाड़ी को नुकसान कर दे, इसलिए जो है ना मैं अपनी सेफ्टी के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा सुना सब बातें उसकी, तब जाके जो है ना मैंने बोला भी ये काम बहुत किसी की भी नहीं देखते वीडियो ना किसी की नहीं देख रहे आपने नहीं आपकी हाँ। या किसी की भी हम नहीं देखते वीडियो, जैसे लगाते हैं जैसे करते हैं हम ना गौर करते हैं, बस अपनी वीडियो डाल के फिर जल्दी सो जाते हैं, 8:30-9 बजे तक में सो जाते हैं, शाम को भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह के जल्दी उठते हैं, अपने काम काज करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, बस किसी की नहीं देखते वीडियो, ना हमें पता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उस दिन जब इनकी लड़ाई हुई मुझे भी नहीं पता, मैं भी खाना रेडी कर रही थी, मुझे कहा कि मैं यहाँ बाहर गली में खड़ा हूँ, मैं ये दिन भाई के घर जाता हूँ फिर मैं वापस आ जाता हूँ, मैंने कहा ठीक है। फिर जब इनकी लड़ाई भी होगी सारे कपड़े वगैरह फाड़ के उसके बाद मुझे आपको बताया था, मैंने कहा आप इधर घर पे रहो, बाहर गली में खड़े थे, मौसम बुलाने आया था, याद है आपको बताया था मैंने। हाँ फैसले के लिए भी सब इकट्ठे हुए बैठे और आप आए तो इसने मुझे उधर नहीं जाने दिया, इसने कहा आप घर बैठो मैं खुद अकेला जाता हूँ। फिर मुझे बाद में पता चला कि सारे कपड़े न्यू सूट इसने पहना हुआ था ब्लैक वाला, बड़े शौक से जो है ना इसने सिलाई करना और सारा जो है ना फट गया। मुझे बच्चे बुलाने आए कि चाचू और मामा मुल्ताफ की जो है ना लड़ाई हो गई तो आप आओ। फिर मैं इसको घर ले आई, पानी वगैरह पिलाया, कपड़े वगैरह इसने चेंज किए, उसके बाद ये सारा ऐसे ही बस छोटी मोटी बात पे इतनी बड़ा हंगामा बढ़ा दिया, इतनी बड़ी परेशानी, सब परेशान है कि जो है ना ये क्या हो गया है। तो बस यही बात है कि जो है ना ये झगड़े अच्छे नहीं होते, झगड़े ख़त्म करें। और जो है ना और एक बात, मैं अभी जाऊंगी ना मैं उसको बोलूंगी, चाहे वो मेरे शौहर हैं, जब मैं अपने भाइयों से मनवा सकती हूँ उनको, उनके साथ जो है ना जो मैंने बोला है भाई ने किया है, और उसके साथ भी मतलब मैं उसको भी बोल सकती हूँ। अब मैं जाऊँगी उसको बोलूँगी ये अपना मोबाइल पकड़ो और आज के बाद मेरे किसी भाई के साथ आपने झगड़ा किया तो फिर मैं आप वो घर छोड़ के इधर आ जाऊँगी, मैं उधर नहीं रहूँगी अगर उन्होंने दोबारा वो झगड़ा किया तो। तो क्योंकि दोनों को सोचना चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए, इधर भी सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, ये नहीं है कि हाँ एक बंदा अगर वो उन्होंने सुलह कर लिया है या एक बंदा थोड़ा पीछे है वो ज़्यादा नहीं कर रहा तो दूसरा जो है ना वो उससे ज़्यादा करे, दोनों को सोचना चाहिए। अब मैं जैसे भाई को बोल रही हूँ वैसे अभी जाऊँगी इसी वीडियो में उसको भी जा के बोलूँगी। तो अभी जो है ना भाई मैं फिर चलती हूँ क्योंकि बैठे हैं, क्योंकि खाने का टाइम है, शाम का टाइम है, खाना वगैरह रहे, खाना मैंने जाके पानी वगैरह भी नहीं पिया, पानी आप ले आओ ना, पानी ले आओ। तो वो है ना कि मैंने भी जाके खाना बनाना है उधर, वो सब्जी अम्मी काट रही थी, मैंने बोला मैं जो है ना मैं से जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि मैं मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत परेशानी थी, तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ फिर मैं वापस आके फिर मैं खाना बनाऊँगी। माशाल्लाह जी अम्मी जान भी आ गई है, अम्मी जान बताओ तो है क्या हुआ है? अम्मी सब कहते थे कि अहमद भाई किसी की बात नहीं सुनता किसी की बात नहीं सुनता
अम्मी यही बात मैं इसको कब से समझा रही हूँ कि आप जो है ना रोए ना, इसको कहे के हमारे नाम के वो जो है ना आप वो इन लोगों से भी सुलह नहीं करेंगे, अल्ताफ भाई ने कहा है और सब घर वालों ने, तो ये कब से रोई जा रही है कि जो है ना उन्होंने मुझे ऐसे कहा है, हमने सुलह भी कर दिया इसके भाई ने सब चीज़ें मान लिया, अब रोई जा रही है रोई जा रही है, इसको समझाएं कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि जैसे सब कहते थे ना कि आपका भाई नहीं मानेगा, और मैंने भाई को बोला है तो भाई ने जो है ना भाई ने बोला कोई झगड़ा नहीं है, तो मान गया सुला रोने का फायदा क्या है, वो तो मान गया ना, ज्यादा ना माने हाथ वालता तो रोने आ गए नहीं मानता, हाँ कोई आख नहीं मानता नहीं मानता, और तो भाई बहनों से जुदा हो सकते हैं आप कोई बताए, ये कभी हो भी नहीं सकता, चुप कर रो प्यारे बहन भाइयों। अभी जो है ना हमारी बातचीत भी हो गई, और भाई ने अभी भाई ने जो है ना मोबाइल दे दिया है, जब मोबाइल हमारा तोड़ा था ना उसमें मोबाइल दे दिया, तो अभी मैं ये लेके जा रही हूँ, मैं जाके ना अल्ताफ सिंह को दूंगी, क्योंकि ये उसकी जिद थी, ये उसकी जिद पूरी हो गई है इसकी वजह से, और मेरे जो था मैं भाई के पास इसलिए आई कि मैंने भाई को बोला ये झगड़ा ख़त्म करें, और जो है ना हंसी खुशी जैसे हम आते थे आप भी आते थे इस तरह हंसी खुशी आए, एक दूसरे के साथ मिलें जुड़ें गपशप करें, मैं इसलिए आई थी, मेरा मकसद यही था, तो मैंने भाई को बोला तो भाई ने जो है ना मेरी मान ली, उन्होंने जो है ना उन्हें बोला कोई मसला नहीं है, हम सुलह भी कर लेंगे और ये मोबाइल भी आप ले जाओ, तो इसलिए जो है ना खुशी से मुझे रोना आ गया कि जैसे मुझे सब डरा रहे थे, कह रहे थे कि जो है ना आपका भाई किसी की नहीं सुनता, वो आपको जो है ना नाराज करेगा, आपको ऐसे खाली भेज देगा, तो इसलिए जो है ना मैं मुझे जब भाई मेरी बात मान ली उन्होंने तो मुझे ना खुशी से रोना आ गया सच में, जो है ना मैंने बोला देखे मैं उधर से चल के आई तो भाई ने मेरी बात मान ली, तो अभी जो है ना मैं ये वीडियो जो है ना इधर मैं बंद कर रही हूँ, अभी मैं फिर घर अभी जाती हूँ अम्मी के साथ थोड़ी गपशप करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ घर, उधर जाके जो है ना फिर उधर घर का जो माहौल होगा वो आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी जो है ना दोबारा हम लाइनों पर पहुँच चुके हैं, मतलब कि रेलवे वाली पटरी पर दोबारा पहुंच चुके हैं, ये देखें ये हम आ गए हैं, और इधर ये देखें, और ये भी कुत्ते भी वधे हैं और डर डर से जा रहे हैं, और ये देखें ये लाइन क्रॉस करते हैं अभी, और उसके बाद जो है ना घर पहुंचते हैं, और घर पहुंच के जो है ना वो देखें आतिफ के पास है मोबाइल लेके जा रहे हैं, आतिफ इधर दिखाओ आतिफ, ये जी मोबाइल है ये लेके जा रहे हैं, अभी उधर पहुंचते हैं घर, और उधर जी की जो रूटीन होगी वो फिर शेयर करेंगे। माशाल्लाह इधर हवा भी इतनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत ही वीआईपी माहौल है, ये देखें सूरज ग्रूप हो गया है और मगरब की अजान भी हो गई है, ये देखें। तो अभी जी उधर घर पहुंचते ही फिर उधर की रूटीन शेयर करेंगे, सही हो गया। माशाल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं, और ये शहजादियां तो बहर आ गई, हाँ मैं आ रही हूँ, चलो अंदर चलो। जब बाबा ने पहना था मैंने वही पहना है। अच्छा सही हो गया, चलो अंदर चलो। हाँ जी तुम किधर गई थी? मैं उधर गई थी काम से, चलो अंदर चलो। हाँ अंदर चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। किसका क्या हाल है? डॉक्टर समीना का क्या हाल? समीना चावल खा भी रही हो? मैं क्या चावल बना लिए? डॉक्टर का क्या हाल है? कुछ ठीक? मैं उधर नहीं गई थी, उधर मैं अहमद भाई के घर गई थी, उन्हें कुछ पता कितने हैं? हाँ उधर जाएंगे फिर उनका पता करेंगे, ठीक है? अच्छा करा है? हाँ अब वो ठीक है, तो दुख थी ना। हाँ अब ठीक है, वो दुआ करो ठीक हो जाए। और इधर बैठे हैं अम्मी अबू। हाँ जी सुनाओ खाने वाने का। खाना वाना बना रखे से बेहोश ही थे। अच्छा आपने बनाया है? खंग 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 ते छेकड़ी वाला जब ये पानी साठ करें तो लाऊं कुछ सजे में क्या आवे ओड़े बैठा आ मैं क्यों लूं शूं चाख देते या कर मेरा साहा खुद खंग दे खंग दे खंग दे खंग दे
मेरा साह चढ़ गए साह अन्य रत कहीं चेन में से चाहो साह यहाँ नहीं होता ना वो से चाहो अच्छा मैं क्या पे ये रहा पड़ा सही सही अब वो कहीं चले गए हैं या आधा प्यार मैं क्या उन्हें घिना में से जा जाऊँ हाँ तो वाला हूँ टॉप दे वाला नहीं मैंने तो उसको जो है ना मिस कॉल दी उधर लेनू के हम लेनू पे आके उधर रुक गए मैंने बोला आतिफ को के आगे जो है ना देखा बहुत सारे कुत्ते थे तो मैंने मिस कॉल दी मैंने बोला उसको बोलती हूँ कि इधर से हमें आके ले जाए तो फिर मैंने मिस कॉल दी कॉल पूरी और उन्हें उठाई नहीं इसलिए फिर हम तो पैदल आ गए तो इधर टप गए तो आके हाँ वो मैंने अपने मोबाइल पे कॉल की थी मेरा मोबाइल घर पे पड़ा है या वो तो बोला ये बजा तो कहानी मेरे तो कहानी सुनिया अच्छा ये देखो मैं आपके बेटे की चट्टी ले आई हूँ अच्छा गिरना ही हाँ ये मोबाइल है अहमद भाई ने दे दिया है अच्छा अपना लिया है तो वो क्या करे अपना दिया है या जैसा दिया है उन्होंने दे दिया है चलो भला सुलह हो गई नहीं सुलह करेंगे अभी तो ये आपके बेटे की जिद थी ना कि मेरे को चट्टी दे अब उसकी चट्टी में ले आई हूँ और आगे सुलह जो है ना वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह हाँ तो अभी वो आ जाते हैं तो फिर जो है ना तो जी प्यारे बहन भाइयों फैमिली में घर पहुँच चुकी हूँ और जो है ना अल्ताफ सर नहीं है घर पे मैंने उधर जो है ना रेलवे वाली पटरी पे आके उसको मिस कॉल भी दी थी कि आगे आके हमें जो है ना ले जाए इधर से तो वो नहीं है मतलब कॉल की तो उन्होंने कॉल उठाई नहीं तो अभी जो है ना घर पे वो नहीं है तो अभी वो आ जाते हैं तो अभी वो आ जाते हैं शायद इधर गए होंगे चौक पे वो आ जाते हैं तो फिर जो है ना ये मैं मोबाइल जो है ना उसको फिर पकड़ाऊंगी और फिर जो है ना और वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है तो अब ये अमानत जो है ना ये उसको उस तक पहुँचानी है और उसके बाद जो है ना फिर वीडियो का एंड कर देंगे अल्ताफ सैन जो है ना घर पे जैसे कि मैंने बताया नहीं थे अभी वो आ गए हैं तो अभी जो है ना उसके पास चलते हैं और उसके साथ करते हैं बातचीत ये देखें हाँ जी आ गए आप हाँ जी कहाँ चले गए थे अब्बू की दवाई लेने अच्छा जी अब्बू की दवाई है सही सही और मैं उधर से होके आ गई हूँ अपने भाई के घर से हाँ पता लगा है मुझे मैं पहले आया था तो ये लो ये कहाँ से आया आपकी जिद थी और ये जो है ना आपको चट्टी मिल गई ले आई हो हाँ जी आज मेरे भाई ने जो है ना अपनी बहन के आगे सर झुका लिया उन्होंने हार मान ली अच्छा। और आप जीत गए मेरा भाई हार गया अच्छा। तो ये चट्टी आ गई आपकी अच्छा। बाकी जो है ना और आपसे भी एक बात बोलूंगी चाहे आपको बुरी लगे अच्छा। जैसे भाई को भी मैंने बोला वो मेरा भाई है आप भी मेरे मतलब के शौहर हैं भाई ना बना लेना नहीं अच्छा। तो आज के बाद आपने मेरे भाइयों के साथ कभी चाहे उनका कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जो मर्जी उनके साथ हो लेकिन कभी आपने उनके साथ झगड़ा नहीं करना मेरे भाइयों के साथ नहीं तो मैं जो है ना ये आपका घर छोड़ के चले जाऊंगी ये तो फिर वो हो गई भाई का मतलब कि भाई की जो बात आप देखो ना भाई तो फिर आप लेके आई हो कि आप मुझसे मतलब कि मुझे वो कर रही हो धमकियां दे रही हो नहीं नहीं धमकियां नहीं दे रही उसको भी मैंने ऐसे बोला है अच्छा बात सुनो ठीक है आप कहती है ना कि मेरे भाइयों से भाई कोई झगड़ा झगड़ा नहीं करना नहीं करना उनके मतलब जो भी मसला है कुछ नहीं बोलना जैसे जैसे अभी तो उनको ये बोल के आई हो कि मेरे मामले में वो फिर कभी टांग ना आए मतलब मेरा कोई मसला है कोई भी प्रॉब्लम है वो बीच में बात नहीं करेंगे नहीं करेंगे वो बस जब आप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे जब वो उनको वो देखेंगे ना जब वो हमारे कोई मामले में नहीं आ रहा तो हम उसके मामले में क्यों जाएं बस ठीक है अगर वो मेरे मामले बाकी ये आपकी चट्टी आपको मिल गई ये आपकी था चट्टी लेने का मकसद मैंने आपको इधर भी बोला था सुबह वाली वीडियो में आप जो है ना माफ कर दो छोड़ दो हाँ तो मैंने क्या कहा था मैंने कहा रफा दफा करो खत्म करो ना जाओ नहीं तो ये फिर मसला खत्म नहीं होता
मैं जो है ना मेरा मैंने यही बोला था ना कि मैंने वीडियो वगैरह का टॉपिक ही छोड़ दिया, खत्म कर दिया, ये रोला खत्म कर दिया। अभी वो जो नहीं देता ना लगे ना दे, अल्लाह भला करे उसका, जो भी होगा मेरा नसीब अल्लाह मालिक है, अल्लाह मुझे और दे देगा। मैंने यही बात की थी, लेकिन आपने बोला कि मैंने फिर यही वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर दरख्वास्त दी हुई थी तो यानी बाद में वो फिर कोई पंगे होते, इसलिए मैंने वो दी हुई थी। अगर तो आपने, आपने बोला कि ये झगड़ा मजीद बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, मैं खुद जाती हूँ मोबाइल लेके आती हूँ, कुछ करके आती हूँ, तो वही आपने ये झगड़ा। यार आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, ये झगड़ा खत्म आपने नहीं किया था, ये झगड़ा अभी चल रहा था। अच्छा। इस तरह चुप करके बैठने से या फिर आगे की सोच रखने से ये झगड़ा खत्म नहीं होता। खत्म उस वक्त टाइम होता है जब एक दूसरे के साथ आप मिलो, गपशप करो, पहले की तरह आना जाना हो, फिर वो होता है कि हाँ अब झगड़ा इनका खत्म हो गया। तो ठीक है, अगर ऐसी बात करती हो कि भी मतलब कि एक दूसरे के साथ आना जाना हो, झगड़ा खत्म, वो मैं अभी वो बात कर रही हूँ, ये आपकी उन्होंने चट्टी भी दे दी। और जो है ना जो सुलह वाली बात है, मैंने भाई को बोला है कि मुझे ना सिर्फ खाली ये तो आपका था, मेरा इसमें मैं जो है ना ये मेरा नहीं था, ये आपका था। मेरे मकसद ये था, मैं जो मेरे को तकलीफ थी, जो मैं परेशान थी, वो थी सुलह कराने वाली। मैंने उसको बोला भी मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ, तो जो है ना मेरा मकसद उस दिन पूरा होगा जिस दिन आप जो है ना सुलह करेंगे आप दोनों। तो उन्होंने जो है ना एक दो दिन का टाइम मांगा है, उन्होंने बोला है कल या परसों, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तो जो है ना, अगर उसको टाइम मिल जाता है वो आता है खुद इधर हमारे घर में, इधर जो है ना वो आपसे मिलता है, आप दोनों ने जो है ना ये जो भी शिकवे गिले हैं ये सब ख़त्म करते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिलते हैं, तो ठीक है। अगर उसको टाइम नहीं मिलता, अगर वो खुद कॉल करके हमें बुलाएगा कि आ जाओ, मैं जो है ना नहीं हूँ नाराज़, खुद आपको कॉल करके आपको बुलाएगा कि आ जाओ भाई मैं आप पे नहीं हूँ नाराज़, तो जो है ना फिर आपको चलना पड़ेगा। नहीं मैं जाऊँगा नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं मैं नहीं जाऊँगा, इसमें खुद देखो ना मैं दो मरतबा गया हूँ इसके ऊपर, तो फिर अब आप तो खुद बोलेगा, फिर तो गलत फैसला कर रही हो। जब मतलब ये देखो ना, अभी आप गई हो ना, आप उसकी बहन हो, आपको मोबाइल उसने पकड़ा दिया, मतलब के हाँ भाई ऐसे है, बात ऐसे नहीं। आप देखें मैं दो मरतबा गया हूँ झगड़ा ख़त्म करने के लिए, दो मरतबा गया हूँ, वो आ जाएगा जी बिस्मिल्लाह, मेरी कोई अब तो मतलब मेरा नुकसान मिल गया है। मैंने उसको पहले भी यही बोला था कि मेरा सिर्फ नुकसान दे दे, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, नुकसान मिल गया है, बाकी वो आ जाए मोस्ट वेलकम। नहीं अम्मी इसकी बातें आप सुनो, जब इसको चट्टी मिल गई है तो फिर ये क्यों कहता है कि मैंने उधर नहीं जाना। यही चीज तो कह रहा हूँ कि मेरा झगड़ा नहीं है, खत्म हो गया। जो असल मेन चीज थी, भाई ने जो है ना हार मान ली, बहन के आगे उन्होंने जो है ना सर झुका लिया। हाँ। उन्होंने बोला बहनों की खुशी के लिए आगे मुझे और कुछ पैसों की अहमियत नहीं है, तो जब उन्होंने यह दे दिया है अब आगे आपको किस चीज का मसला? फिर तो वही बात हुई ना कि भाई ने तो मेरी मान ली, लेकिन इसका मतलब है आप मेरी नहीं मान रहे, आप वही अपनी जद पे अड़े हुए हैं। जद पे अगर उधर जैसे उसके उसने मेरे साथ रवैया रखा, मैं उधर गया था उसके घर में भी आपके साथ थी और असलम के घर बैठे थे, उसने क्या आके किया, मुखलिस के घर गया, उधर क्या किया उसने, किया वो नहीं नजर आता, वो मैं मानती हूँ। अगर ये बात उसको फिर ये देखो उससे फिर मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ ये देखो, मैंने उसको यही बोला है कि वो बड़े हैं आप छोटे हैं, तो मैंने उसको बार बार यही बोला है कि आप कोशिश करना आप इधर आ जाएगा तो मोस्ट वेलकम। मैं कौन सा, लेकिन ये मजीद ये भी देख लो कि मैंने उसको क्या बोला था, मैंने आपको भी यही जा रही थी, मैंने रोका भी, मैंने कहा छोड़ो रहने दो, बात जब खत्म हो गई है तो इसको फिर दोबारा डिस्कस क्यों करना, तो आपने बोला नहीं फिर बार बार ये होगा कि मैंने तो वो दिया हुआ था, मैं वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ, मेरा मोबाइल आ गया है ना, मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ, बात सुनो मेरी, बाकी झगड़े की वो मैं इसलिए दरख्वास्त दी हुई थी कि वो मेरे साथ कोई झगड़ा करेगा या कोई मेरा नुकसान करेगा तब दी थी, अब वो दरख्वास्त निकाल लूंगा ले लूंगा, बाकी है वो मेरे साथ जब करेगा ही नहीं तो मैं क्यों फिर बात। जब आपने खत्म कर दिया था तो फिर ये FIR करवाने की क्या जरूरत थी, अब खत्म करते हैं। FIR किसने कराई है? मैंने बोला दरख्वास्त दी हुई है, जो कुछ भी जो कुछ भी किया, लेकिन आप जो है ना अब देखे मैं उधर जो है ना उधर जो आपको ऐसे लगता था वो किसी की नहीं मान रहा, ये कर रहा है वो कर रहा है, उसकी ज्याद क्या है, उन्होंने सब कुछ किया है, जब उन्होंने हार मान लिया तो आपको फिर क्या तकलीफ है? मैं हार मानी है अम्मी, अब देखें दो मरतबा गया हूं। अच्छा मेरी सुनो, वो तेरा बहन बहनोई है, तू मुंडा बहनोई, मेरा बहनोई वो कैसे बन गया? तू मुंडा तो बहनोई है, मैं उसका बहनोई बोल रहा हूँ,
मैं उसका बहनोई हूँ। अब ये कहता है कि अब जो अगर वो उसके पास टाइम नहीं होगा वो खुद इसको कॉल करके बुलाए, पहले कौन तो वो खुद मैंने उसको बोला है होता वो आ जाएगा, अगर नहीं भी आएगा है तो ये जो मेन चीज है वो तो खत्म हो चुके, वो तो मतलब के यार ये तो फिर वो तो नीचे गिर गया है ना, वो तो हार उन्होंने मान ली है, आपको मोबाइल दे दिया है, अब आगे जो है ना ये बात तो इधर खत्म हो गई है, अब आगे जो है ना आप उधर जाएं या वो आए, इसमें ये क्या बात हुई कि मैं बड़ा मैं उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी बात को तो समझो, मेरी बात को तो समझो, मैं सबको समझ रही हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, बात है सीधी। तो प्यारे बहन भाइयों आप लोगों ने देख लिया सुन लिया, मैं इधर से भाग के गई, उधर भाई को जो है ना वो सब बातें भी आप लोगों ने, मेरी वजह से भाई ने जो है ना उन्होंने, लेकिन वो आप लोग जानते हैं वो इतनी जल्दी माने, और मैं उधर बैठ के ना भाई के सामने रोने लग गई, वो मेरा रोना देख के बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने जो है ना मोबाइल भी दे दिया, उन्होंने सुलह का भी बोल दिया, मैंने जो है ना सुलह करा, बहन के आगे उन्होंने सर झुका लिया, हार मान ली, चलो कोई नहीं मैं हार गया वो जीत गया। अब देखें अब ये तो सारा कुछ हो गया ख़त्म, अब एक जा वो आपको कॉल करके बुलाए अपने घर तो फिर भी ये कहता है मैं नहीं जाऊंगा, वो खुद तो चल के इधर फिर आए, जब वो बुलाएगा तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं तो यही बात कर रही हूँ कि कॉल आएगी मैं चला जाऊंगा, तो मैं तो कब की यही बात कर रही हूँ ना, कर रहा हूँ बार बार के बहस को बढ़ाए जा रही हो, कॉल करेगा तो मैं चला जाऊंगा, ये नहीं करता जैसे मतलब आपने बोला के उन्होंने यही कहा है कि दो दिन एक दो दिन का टाइम दो, अगर एक दो दिन में मेरे को टाइम लग जाता है तो मैं उधर जो है ना आ जाऊंगा आपके घर, अगर नहीं भी मिलता मसरूफियात होती है नहीं भी मिलता, अब असल मसला तो खत्म हो गया है ना, अगली बात करो, नहीं मिलता वो उसको टाइम नहीं मिलता तो उन्होंने बोला है अगर जो है ना मैं फिर कॉल करूंगा खुद अपने मुंह से कॉल करूंगा भी आ जाओ तो जो है ना ठीक है बात चला जाऊंगा, यही तो मैं पिट रहा हूँ, नहीं नहीं पहले मैंने बात यही बातें की, आपने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अम्मी ऐसे बोला है ना, पहले इसने क्या बोला के उसने मोबाइल भी दे दिया है तो उसने बहन के आगे सर भी झुका लिया, अब आप चलेंगे उधर वो बुलाएगा, वो बात नहीं की थी अभी, मैं दो दिन मैंने अम्मी बोला, मैंने बोला एक दो दिन में उसको टाइम लगेगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो वो बुलाएगा कॉल करके, जब बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बुलाएगा मैं जाऊंगा, ऐसे मतलब कि आप बोलो कि हाँ दो दिन वो नहीं उसको टाइम लगा तो फिर चलें हम, ऐसे कैसे जा सकते हैं, जब वो बुलाएगा तो मोस्ट बस खुश, तो जब उसको टाइम नहीं मिलेगा वो बुलाएगा, अगर टाइम मिलेगा वो खुद आएगा, बस ठीक है ऐसे वो बुला लेगा तो चला जाऊंगा, बात खत्म, इतनी बहस की वीडियो भी लंबी कर दी। तो प्यारे बहन भाइयों हमारी वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो चुकी है और आप लोगों ने सारी हाल हकीकत देख ली सुन ली, और जो है ना आगे जो होगा अल्लाह पाक, अहमद भाई ने बस दो एक दो दिन का टाइम मांगा है क्योंकि मैंने उसको बोला है कि मेरा मकसद ये पूरा नहीं हुआ, मेरा मकसद वो है जब आप दोनों सुलह करेंगे तो उस दिन मेरे को खुशी भी होगी, उस दिन जो है ना मैं फिर जो है ना खुशी से रह पाऊंगी कि हाँ अब जो है ना कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है, तो सब लोग आप लोग एक दो दिन में देखते हैं, अगर भाई जो है ना उनने मुझे यही बोला है आप लोग वीडियो देखो मुकम्मल शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल वीडियो देखनी है और एक एक बात जो है ना गौर से सुननी है, तो क्या क्या बातें हुई क्या क्या हुआ सब जो है ना पूरी वीडियो वॉच करनी है आप लोगों ने, तो दो एक दो दिन में देखती हूँ कि उन्हें बोला एक दो दिन में या मैं खुद आ जाऊँगा इधर आपके घर, अगर ना भी आ सका ऐसी मसरूफियात हुई तो मैं खुद कॉल करके बुलाऊंगा, तो फिर जो है ना आप लोगों ने देखना है, तो एक दो दिन में ये भी मसला जो है ना आने जाने वाला एक दूसरे को मिलने वाला ये भी हो जाएगा, और मुखलस भाई का भी आप लोग वीडियो में देख लेना, उसका भी मैंने बोला है कि वो बड़ा भाई है उसके साथ भी उन्हें बोला है जब आप लोगों का 40,000 था तो आप लोग झगड़ा कर रहे थे, आप लोगों ने 40,000 ले लिया, अब झगड़ा जो है ना ख़त्म कर रहे हैं, उनसे मैंने 1.5 लाख लेना है, जब तक वो नहीं देगा वो बात अलग है, तो वो जो है ना उसके बारे में आप नहीं बात करो, फिर भी एक बहन होने के नाते जो है ना मैंने उसको बोला कि बड़ा भाई है उसके साथ भी सुलह कर लो, तो वो बोला वो आगे का मसला है, इंशाल्लाह आप लोग ने दुआ करनी है जैसे ये मसला हल हो रहा है वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, उसको भी कराएंगे, तो अभी जो है ना इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे फिर सुबह वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।